हेलो दोस्तों, आज हम ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि कैसे करंट एक लिमिट से ज्यादा होने पे आप ऑटोमेटिकली लोड को डिस्कनेक्ट कर सकते हो सप्लाई वोल्टेज से। ये वीडियो में बस हम प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में ही नहीं, इसके फायदा, कौन कौन सी प्रोटेक्शन सिस्टम ज्यादा अच्छे से काम करता है और क्या ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करना चाहिए, अगर आपको जरूरत है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सिस्टम का, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि कैसे हम इस सर्किट को डिजाइन करेंगे। दोस्तों, ओवर करंट प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए हम लोगों को पहले कोई भी वायर से कितना करंट जा रहा है वो मेजर करना चाहिए। करंट मेजर के लिए मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ, एक कांस्टेंट करंट लोड का वीडियो और एक करंट मेजर का, कैसे आप वोल्टेज ड्रॉप को सेंस करके करंट को मेजर करेंगे। आप चाहो तो वो दो वीडियो मेरे चैनल में देख सकते हो पिछले में, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वो दो वीडियो का लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि वो वीडियो का कॉन्सेप्ट ही इधर भी इस्तेमाल होने वाला है। तो दोस्तों, पूरे सर्किट को डिजाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर कांस्टेंट करंट लोड चेक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे जो करंट लोड वाला मॉड्यूल है वो खराब हो चुका है जी अपन। तो दोस्तों, मैंने ये यहाँ पर ओपेम के लिए LM324 इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो LM358 आईसी था वो खराब हो चुका है, इसीलिए मैंने चार ओपेम वाला आईसी यूज कर रहा हूँ। आप LM358 से भी ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और ये पूरा प्रोजेक्ट 12 वोल्ट में हम लोग ऑपरेट करेंगे। आप चाहो तो 5 वोल्ट में कर सकते हो, वहाँ पर आप मॉस्फेट का लॉजिक लेवल चेक कर लेना क्योंकि यहाँ पर जो मैं मॉस्फेट यूज कर रहा हूँ Z44, ये मॉस्फेट का गेट 12 वोल्ट में फुल्ली ऑन होता है, 20 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, इसीलिए 5 वोल्ट में ये हाफ ऑन होता है। तो अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखते हो तो ये मॉस्फेट की जब ऑन होगा तो यहाँ पर करंट जाएगा, करंट जाने पे यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप लेगा और इस ऑपएम्प के मदद से ये करंट को सेंस करेगा कितना करंट है और कितना करंट चाहिए वो फिक्स करने के लिए यहाँ पर जो FV देख रहे हो, यहाँ पर एक फिक्स्ड वोल्टेज अप्लाई होगा, उससे ये करंट को सेंस करेगा। ये कैसे करंट को सेंस करता है और फिक्स्ड वोल्टेज कैसे काम करता है ये सब मैंने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जो कांस्टेंट करंट लोड वाला वीडियो है। अगर आप शॉर्ट में देखते हो तो यहाँ पर अगर 1 एम्पियर करंट जाता है तो 1 ओम के लिए 1 वोल्ट ड्रॉप होगा और अगर यहाँ पर फिक्स्ड वोल्टेज आप 1 वोल्ट देते हो, कैसे देते हो आगे बात करते हैं, अगर देते हो तो यहाँ पर 1 वोल्ट होने पे ये भी 1 वोल्ट हो जाएगा और ये इस मॉस्फेट को ऑफ कर देगा, इससे ही यहाँ पर लोड ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर ऑन ऑफ होते होते पर भी कांस्टेंट लोड आप ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप बस एक ही ऑपएम्प यूज करते हो तो ये ऑफ होके नहीं रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट एक करंट लोड रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक ऑपएम्प को यूज करके जब भी मैंने लोड की वजह शॉर्ट सर्किट किया तब कांस्टेंटली एक करंट ड्रॉ हो रहा है, जहाँ पर सप्लाई वोल्टेज ऑफ नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंटली एक करंट ड्रॉ कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको और भी डिटेल्स पे जानना है तो इस वीडियो को आप चेकआउट कीजिए। इसके बाद ये जो फिक्स्ड वोल्टेज देने का काम है ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे TL431 या फिर आप जीनर डायोड से, जहाँ पर सप्लाई वोल्टेज चेंज होने के साथ साथ ये वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो TL431 का वीडियो भी मेरे चैनल में है, चेकआउट कर सकते हैं। इससे ही हम एक फिक्स्ड वोल्टेज देंगे जितने एम्पियर में ये ट्रिगर होना चाहिए उतना। देखो, उसके बाद वाला जो ये पूरा सर्किट है ये एक लिमिट से ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगता है तो इसको ऑफ करके रखने के लिए ये पूरा जो सर्किट है ये काम करेगा। कैसे काम करेगा, पहले तो देखो ये जो इस रेसिस्टर से अगर सेट हुआ वोल्टेज से कम करंट जा रहा है तो ये ऑपएम्प ऑन रहेगा, ये ऑपएम्प को भी ऑन कर देगा। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पर जो डिवाइडर है 1 किलो ओम 1 किलो ओम में, तो ये क्या करेगा, इसका हाफ वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट करेगा जो कि पॉजिटिव में ज्यादा वोल्टेज होने में, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हो 10 किलो ओम का रेसिस्टर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ओके, इसलिए पॉजिटिव से ज्यादा वोल्टेज होगा तो मॉस्फेट को ऑन करके रखेगा, मगर जब भी ये मॉस्फेट ऑफ होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 किलो ओम का रेसिस्टर से यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर जो कि नेगेटिव से ऑन होता है, मतलब अगर ये ऑपएम्प ऑफ हुआ तो ये मॉस्फेट ऑन हो जाएगा तो ये VCC का करंट लेके यहाँ पर नेगेटिव में दे देगा। VCC से करंट लेके अगर नेगेटिव में दे देता है तो नेगेटिव का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज का हाफ वोल्टेज है, तो VCC डायरेक्ट देने में यहाँ पर इस हाफ वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तो ये मॉस्फेट को ऑफ करके रखेगा। कब तक ऑफ करके रखेगा, जब तक आप रिसेट नहीं कर देते। रिसेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्विच दिया जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने में यहाँ पर नेगेटिव का वोल्टेज लो हो जाएगा ग्राउंड के साथ और यहाँ पर पॉजिटिव का वोल्टेज हाई होने में फिर से ये ऑपरेशन चालू कर देगा। तो ऐसे ही ये सर्किट काम करता है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप आपका सप्लाई का करंट के हिसाब से जितना करंट सेट करते हो उसके हिसाब से आप मॉस्फेट चूज कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 1 ओम का रेसिस्टर लिया, आप ये 1 ओम का रेसिस्टर मत लेना क्योंकि 1 ओम का रेसिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है, 1 एम्पियर के लिए 1 वोल्ट। ओके, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये तो परफेक्ट है क्योंकि ज्यादा वोल्टेज से ये ऑपरेट होता है। यहाँ पर कम से कम रेसिस्टेंस का रेसिस्टर यूज करके यहाँ पर एक से ज्यादा एम्पलीफायर या फिर इस एम्पलीफायर में ही इसको एम्पलीफाई कर लेना। ज्यादा जानकारी के लिए इस वाले वीडियो को चेकआउट करें, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो अधूरा है अगर इस वीडियो को चेकआउट नहीं करते। अगर आप ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट सर्किट
प्रोटेक्शन भी आपको देगा। मगर आपको अगर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन चाहिए, मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए ये पूरा सर्किट यूज करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। ये सर्किट यूज कर रहे हो तो शॉर्ट सर्किट का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।